पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी को लेकर छिड़े विवाद पर हर तरफ सवालों का दौर शुरू है। सियासत और बयानबाजी का दौर भी चल पड़ा है। आखिर मसला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है तो फिर जाहिर सी बात है बहस तो होगी ही। इस बीच हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध को लेकर पंजाब सरकार के बाद अब केंद्र सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए 3 सदस्यीय हाई लेवल जांच कमेटी बना दी है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पीएम की सुरक्षा के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं में से एक तकनीक के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो सुरक्षा के नजरिए से इस्तेमाल की जाती है। कई बार लोग पीएम के काफिले के काफी नजदीक आ जाते हैं, ऐसे में उनके स्मार्टफोन भी एक्टिव रहते हैं, साथ ही साथ अन्य डिवाइस भी एक्टिव रहते हैं। इन डिवाइसों से होने वाले किसी भी तरह के नुकसान को रोकने के लिए स्मार्टफोन जैमर का इस्तेमाल किया जाता है। ये इन डिवाइसों को निष्क्रिय कर देता है और इनमें सिग्नल नहीं आने देता। आपने कई दफा देखा होगा कि अगर आप इस तरह के किसी भी काफिले के बगल से गुजरे तो कुछ वक्त के लिए आपके स्मार्टफोन का नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो जाता है, और ये तब तक नहीं आता जब तक काफिला वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ना चला जाए। पीएम के काफिले के साथ मौजूद हमेशा एक वाहन होता है। वाहन में स्मार्टफोन जैमर लगाए जाते हैं जो सिग्नल को पूरी तरह से जाम कर देते हैं और फिर आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये तकनीक राजनेताओं के काफिले में अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। ये जैमर साइज में काफी बड़े होते हैं, ऐसे में इन्हें एक पूरे वाहन के अंदर लगाया जा सकता है और ये पीएम वाहन के साथ ही चलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।